आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रुकते हैं अगली बड़ी खबर की, जो महंगाई को लेकर है। बता दें, महंगाई पर अंकुश के लिए सरकार ने चौतरफा तैयारी कर दी है। इसमें सरकार को रिजर्व बैंक से भी सहयोग मिल रहा है। पिछले दिनों से पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने और कोकिंग कोयला समेत अन्य जिंसों पर आयात शुल्क पर राहत देने के बाद अब सरकार खाने पीने की चीजों जैसे खाद्य तेल पर शुल्क में कटौती की संभावना तलाश रही है। बता दें कि मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा सरकार उद्योगों को राहत देकर आम आदमी तक सस्ते सामान उपलब्ध कराने के उपायों पर भी विचार कर रही है। वहीं सरकार ने सालाना 20 से 20 लाख यानी कि 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूर्यमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क तथा कृषि अवसंरचना उपकर को मार्च 2024 तक हटाने की घोषणा भी की है। वहीं वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर वित्त वर्ष 2022-23 और 23-24 में आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि आयात शुल्क में इस छूट से घरेलू कीमतों में नरमी आएगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी इससे मदद मिलेगी। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि पिछले दिनों ईंधन पर कटौती और लोहा, इस्पात, कोयला, प्लास्टिक और सीमेंट की कीमतों को कम करने के उपायों से खुदरा महंगाई कम हो सकती है। उनका कहना है कि मई में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.5 से 7.3% रहने की संभावना है। इसके अलावा जून के बाद महंगाई में 0.40% तक की गिरावट आ सकती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में 8 साल के उच्चतम स्तर पर 7.79% पर पहुंच गई है। सरकार का जोर फिलहाल महंगाई को नियंत्रित करने के उपाय पर है। वहीं रिजर्व बैंक ने भी महंगाई को सबसे बड़ी मौजूदा चुनौती करार दे दिया है। वहीं ऐसे में जीएसटी में संभावित संशोधन हटाने की आशंका है। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि कुछ वस्तुओं को 18% कर श्रेणी से हटाकर 28% में करने और मौजूदा समय में कर के दायरे से बाहर की कुछ वस्तुओं को 5% कर के दायरे में लाने पर विचार हो रहा था। हालांकि महंगाई के रौद्र रूप को देखते हुए जीएसटी में बदलाव पर फिलहाल फैसला होने की संभावना नहीं दिख रही है। वहीं ईंधन और कुछ जिंसों पर उत्पाद शुल्क घटाने के बाद सरकार अब खाद्य पदार्थों के आयात पर शुल्क पर कटौती के विकल्प पर विचार कर रही है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसके तहत दलहन और तिलहन के आयात को सस्ता करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा देश में उद्योग को कुछ अन्य राहत देकर भी महंगाई पर अंकुश लगाने की योजना है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के इस कदम से राजस्व में कमी आने से राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, लेकिन महंगाई पर अंकुश लगाने में ये मददगार साबित होगी। तो ये थी बात महंगाई की। सरकार हर कोशिश कर रही है कि हर क्षेत्र में वो जो महंगाई है उसको घटा सके, हर चीज़ों में कमी ला सके। तो ये थी बड़ी खबरें, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।